दोस्तों, सिलवासा अरब सागर के पास स्थित है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दादरा तथा नगर हवेली की राजधानी है। अंग्रेजी प्रभाव के चलते हुए सिलवासा का उच्चारण अक्सर सिलवासा किया जाता है और अधिकतर लोग अब इसे सिलवासा कहकर ही पुकारते। गुजरती जनसंख्या के प्रभाव के कारण इसे सेलवास भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में भारत के खूबसूरत शहर सिलवासा के बारे में जानने वाले। तब तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, खूबसूरत वादी और बाग बगीचों से घिरा सिलवासा एक मनमोहक शहर है, जो एक आनंद से भरी झीलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ अत्यंत शांत और मनोरम है। सिलवासा देश के पश्चिमी भाग में दो भौगोलिक भाग दादरा और नगर नामक जगह से मिलकर बना हुआ है। सिलवासा शहर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं से लगा हुआ एक जनजातीय आदिवासी जगह है। आपको बताना चाहेंगे, वारली जनजाति के लोग यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे। इसी के चलते हुए आज भी यह जगह उन्हीं के अधीन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आते रहे। दोस्तों, सिलवासा के इतिहास के बारे में जाने तो ये 19वीं शताब्दी के अंत तक सिलवासा एक छोटा सा गाँव था। सिलवासा का बढ़ता महत्व 1885 में शुरू हुआ, जब पुर्तगाली प्रशासन ने नगर हवेली की सीट को शहर के रूप में परिवर्तित करने का फैसला किया, जो जब एक दरार में था। 11 फरवरी 1885 के डिक्री द्वारा सिलवासा को एक शहर के रूप में बनाया गया था। सिलवासा में गुजराती, मराठी और हिंदी आमतौर पर बोली जाने वाली भाषाएं है। इसके अलावा यहाँ पर वारली आदिवासी आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सिलवासा में घूमने की बात करें तो यहाँ पर घूमने के लिए वनगंगा गार्डन, सिलवासा वसोना लोयन सफारी, नक्षत्र गार्डन, ट्रीनल कल्चर म्यूजियम, हिरवा वन गार्डन, सातमलिया डीर पार्क, बेब श्री स्वामीनारायण टेम्पल, मधुबन डैम, ओल्ड लेडी ऑफ पीटी चर्च आदि। यदि दोस्तों आप सिलवासा जाए तो इन जगह पर घूमने का आनंद जरूर लें। सिलवासा जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के बारे में, सिलवासा राष्ट्रीय राजमार्ग 848A के माध्यम से महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सिलवासा चौड़ी साफ सुथरी सड़क का नेटवर्क है। नजदीक रेलवे स्टेशन वापी 16 किलोमीटर, NH8 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बस और ऑटो रिक्शा सेवाएं चालू रहती है। सिलवासा अपने अनोखे बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर किलवानी रोड सिलवासा में मुख्य शॉपिंग मार्केट है, जिसमें आपको खरीदने के लिए सड़क के दोनों किनारे पर अनेक सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जिसमें से वॉली पेंटिंग, धूम्रपान वस्तुएँ, हाथ से बने बैग, चटाई, बांस से बनी वस्तुएं आदि। यदि दोस्तों आप सिलवासा घूमने जाए तो यहाँ पर खरीदारी जरूर करें। यदि दोस्तों सिलवासा के खाने के स्वाद की बात करें तो यह शहर खाने के स्वाद में अत्यंत मशहूर है। यहाँ पर खाने में खमन ढोकला, डोसा, जलेबी, फाफड़ा, मिसल पाव, वड़ा पाव, गुजराती थाली, साउथ इंडियन फूड अन्य। दोस्तों, सिलवासा प्रकृति से घिरा एक पर्यटक स्वर्ग है, इस वजह से यह शहर पर्यटन का आकर्षक केंद्र भी है। सिलवासा अपनी खूबसूरती और शांतिपूर्वक जगह के लिए माना जाता है। यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं, यही तो दोस्तों सिलवासा की पहचान है। इसी के चलते हुए आज इस वीडियो में सिलवासा से जुड़ी कुछ बातें थी। दोस्तों, आपको सिलवासा के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।